हम लोग मौत से बहुत डरते हैं। हर कोई सोचता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। छोटी सी कहानी सुनाते हूँ दोस्तों कि एक बार एक मरीज अस्पताल में था जिसे मालूम था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत जल्दी ही वो जो है चल बसेगा। तो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर को उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि डॉक्टर साहब दूसरी तरफ क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरी तरफ क्या है। तो डॉक्टर जो थे उसकी बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, दरवाजे की दूसरी तरफ क्या है मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। इतने में जो मरीज़ का जो कमरा था उसके दरवाजे पे किसी के चूं चूं करने की आवाज़ आई। तो डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा जो डॉक्टर का कुत्ता था, पेट डॉग था, वो दौड़ता हुआ अंदर आया और खूब ज़ोर से एक्साइटमेंट में जंप लगा के और पूंछ हिलाते हुए और बड़े प्यार से आके डॉक्टर से मिला। तो उसको देखकर डॉक्टर ने जो था मरीज़ को क्या बोला, मरीज़ को यही कहा कि तुमने देखा, ये जब डॉग बाहर था जो इस कमरे में आज तक नहीं आया है, ये भी बाहर खड़ा इस कमरे में आने की सोच रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसने आव देखा नताव, उसको मालूम था कि उसका मास्टर यानी कि उसका मालिक इस कमरे के अंदर है। वो दौड़ता हुआ आया और मेरे से कितने प्यार से मिला। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम मौत के दरवाजे पे खड़े होते हैं तो हमें और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ यही सोचना है कि दूसरी तरफ मेरा मालिक है और बिल्कुल इसी कुत्ते की तरह जंप मारकर पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने मालिक से मिलने के लिए खुशी के साथ आप तैयार रहिए। इसीलिए मौत से कभी मत डरिए दोस्तों, क्योंकि जिसने हमें बनाया है उसने ये जर्नी जो हमारे लिए डिसाइड की है दूसरी तरफ की जर्नी भी उसने डिसाइड की है। कोशिश ये कीजिए कि मौत से डरिए ना, बल्कि ये मान के चलिए कि अब आपके मालिक से आपको मिलना है और वही तरीका है एक मौत के डर को अपने आप को बचा के रखने का। थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा दोस्तों।